मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में मुख्य और आश्रित वाक्यों की पहचान के बारे में बता रहा हूँ, है ना। इसमें पहला है, वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। दूसरा है, वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ अधिकांशतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है, जैसे जिसने, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहां, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब। ये सभी जो है ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जो वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों के आरंभ में आते हैं। नहीं, अब है तीसरी पहचान कि आश्रित उपवाक्यों के आरंभ, आश्रित उपवाक्यों के आरंभ मध्य या अंत में भी आते हैं, जैसे कि जिसने बालक की जान बचाई वह युवती कृष्णनगर में रहती है। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई कृष्णनगर में रहती है। वह युवती कृष्णनगर में रहती है जिसने बालक की जान बचाई। इसमें इस उपवाक्य में इसमें जो भी उपवाक्य आए हुए हैं, नहीं, ये आरंभ में भी, जैसे पहला उदाहरण है जिसने बालक की जान बचाई वह युवती कृष्णनगर में रहती है, इसमें उपवाक्य आश्रित उपवाक्य जो है वाक्य के आरंभ में आया हुआ है, जिसने बालक की जान बचाई। वहीं वह युवती जिसने बालक की जान बचाई कृष्णनगर में रहती है, यहाँ पर यह आश्रित उपवाक्य जिसने बालक की जान बचाई यह बीच में आया हुआ है। तीसरा उदाहरण है कि वह युवती कृष्णनगर में रहती है जिसने बालक की जान बचाई, इसमें जिसने बालक की जान बचाई यह आश्रित उपवाक्य वाक्य के अंत में आया है। इस प्रकार से जो है यह आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में भी आता है, मध्य में भी आता है और अंत में भी आता है। यही मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान है।